जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी पिछले 2-4-10 दिन से कुछ लोगों के रिजेक्टेड लेटर आ रहे हैं, जिनके फॉर्म रिजेक्टेड कर दिए गए हैं अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। तो बता दूं आपको कि किन किन के रिजेक्टेड हुए हैं और हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि और किन किन के हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम अगर आपने की है तो आपके फॉर्म रिजेक्टेड हो सकते हैं, और इसका क्या उपाय अब क्या करें ताकि आपको इस समस्या से मतलब छुटकारा मिल सकता है, या क्या कर सकते हो आप इसके लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा पहले ये पढ़ के बताता हूँ, फिर इसके नियम बताता हूँ कि किस कारण से रिजेक्ट हो रहे हैं और कौन कौन से आपको नोटिफिकेशन में जो नियम दिए थे उसकी वजह से ये रिजेक्ट हो रहे हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए SSC GT से संबंधित, और फिजिकल अगर किसी का अच्छा है तो फिजिकल फिटनेस से संबंधित मैं चैलेंज देता हूँ, उसको पूरा करके अगर आप वीडियो बना के देते हो मेरे को और आपका अच्छा वीडियो होता तो आपको मेरी तरफ से लोअर टी शर्ट इनाम में रिवार्ड में आपके भेज दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और SSC GT संबंधित मैंने और भी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, फिजिकल से संबंधित भी बना रखे हैं, तो आप जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरा टेलीग्राम ग्रुप फॉलो करने के लिए उसके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। अब दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि मेडिकल एवं दस्तावेज जाँच भर्ती बोर्ड सीमा सुरक्षा बल। तो दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल की तरफ से चित्तौड़ रोड गांधीनगर गुजरात से ये आया है, और इसमें आप देख ही सकते हो रोल नंबर, उसका नाम, ये 1 दिसंबर का है दोस्तों, ठीक है। इसका नाम हम सब देख रखा है। अब इसमें किस वजह से रिजेक्ट हुआ, पहला इसका रीज़न जान लेते हैं, फिर आपको आने वाले जो रिजेक्टेड फॉर्म है वो कौन कौन से और हो सकते हैं उसके बारे में मैं अच्छे से आपको बताऊँगा। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपका रिजेक्ट होने वाला है तो आप पहले भी आप क्या कर सकते हो या बाद में क्या कर सकते हो इसके बारे में बताऊँगा मैं आपको। तो दोस्तों देखिए, सीमा सुरक्षा बल में आरक्षक सामान्य ड्यूटी 2018 के पद पर भर्ती के संबंध में उपरोक्त विषय पर लेख की आपको कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा सामान्य ड्यूटी 2018 के पद पर मेडिकल जांच एवं दस्तावेज जांच हेतु सुरक्षा बल गांधीनगर, सीमा सुरक्षा बल गांधीनगर में दिनांक 23/1/2020 को बुलाया गया था, परंतु आपके दस्तावेज की जांच करने के उपरांत पाया गया है कि आरक्षक सामान्य 2018 के पद आवेदन करते समय अपनी जन्म तिथि 14/12/1998 अपलोड किया था, जबकि गुजरात राज्य के द्वारा जारी किए गए आपके जो प्रमाण पत्र है उसमें 14/12/1997 मतलब 98 उसमें जब फॉर्म भरा था तब 14/12/1998 लिखा था, जबकि ओरिजिनल में 14/12/1997 मतलब 1 साल का डिफरेंस है। आपको ये सूचित किया जाता है कि SSC के विज्ञापन नंबर 3/2/2017 के दिनांक 22 जुलाई 2018 के इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन के पैरा नंबर 08 के तहत आपके आरक्षक सामान्य ड्यूटी 2018 के उम्मीदवार नियुक्त की जाती है। तो दोस्तों, अभी हम ये आपको मैं पढ़ के बताऊंगा कि जो ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है 08 जो SSC ने दिया था जब फॉर्म शुरू हुए थे, उससे पहले इंस्ट्रक्शन देती है SSC इम्पोर्टेंट, तो उसमें क्या लिखा गया था जिसकी वजह से इसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ। आपको पता है जिनके बायोमेट्रिक और ओरिजिनल फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए थे उनके भी रिजेक्ट फॉर्म हो रहे हैं, तो अब उनके कईयों को ऐसे भी है जिनके मतलब बायोमेट्रिक और ओरिजिनल फिंगरप्रिंट मैच हो गए थे लेकिन फिर भी उनके रिजेक्टेड के मतलब फॉर्म आ रहे हैं, तो वो क्या करें। तो दोस्तों, उसमें आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है, जिसमें आपको 1 महीने का टाइम देता है, उसमें आपको साबित करना होता है कि भाई आपके ओरिजिनली है वो आप ही हो, तो उसमें स्कूल के सर्टिफिकेट से आप साबित कर सकते हो उनको डाक या मेल के द्वारा भेज के, जिसमें आपको उसमें जो लिखा होता है इंस्ट्रक्शन उसके अनुसार। तो बायोमेट्रिक वाले तो ये कर सकते हैं। अब इसके जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, तो हम दोस्तों देखते हैं कि वो क्या क्या है, आपको मैं बता देता हूँ वो क्या है। तो दोस्तों, ये मैंने इंस्ट्रक्शन हिंदी में जो इंग्लिश में लिखे हुए थे उनको हिंदी में कन्वर्ट करके आपके सामने इधर मैं भेज रहा हूँ, जो और कौन कौन से रिजेक्ट हो सकते हैं वो भी ध्यान से देख लें, जिनके नहीं हुए हैं वो भी देख लें। तो ये जो उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश, उसमें जो नियम बताया गया है वो यही है, उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश लागू होने से पहले ये है। तो इसका जो पहला नियम है, मेट्रिकुलेशन या 10वीं की कक्षा पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी मतलब आप 33 नंबर से ही पास करते हो, भर्ती CBSE यानी कंप्यूटर बेस्ड आधारित शारीरिक शामिल होगी, दक्षता परीक्षा, शारीरिक माप प्रशिक्षण और मेडिकल परीक्षा, अलग अलग पदों पर महिला उम्मीदवारों के लिए विचार किया जाएगा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जो उम्मीदवार आवश्यक शैक्षिक के कब्जे में नहीं है
मतलब इसमें लिखा गया था कि 1/8/2018 को अगर कोई योग्यता प्राप्त करता है तो वो इस भर्ती में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो वो तो फॉर्म ही ना भरे। इसका जो तीसरा जो नियम था उम्मीदवारों से, इसमें से कुछ जो नियम इम्पोर्टेंट नहीं है इस वीडियो के लिए वो मैंने हटा दिए दोस्तों। वो उसमें वो नॉर्मल जो जानकारी दी गई है कि भाई आप एक ही फार्म अपलोड कर सकते हो, एक से ज़्यादा फार्म नहीं अपलोड कर सकते, आपकी फ़ोटो अच्छी होनी चाहिए, फिंगरप्रिंट वो साइन अच्छा होना चाहिए, तो हाँ वो मैंने हटा दिया क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इस वीडियो के लिए। तो इसलिए आप ये देखें, उम्मीदवारों से दस्तावेजों का संग्रहण और उनका सत्यापन किया जाएगा, मतलब आपसे लिया जाएगा वो केवल अंतिम रूप स्वीकार की जाएगी CAPF द्वारा DMI के समय पर, मतलब जो आपका मेडिकल हुआ था उस समय पर उम्मीदवार से स्वीकार की जाएगी। केवल अंतिम रूप से उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के माध्यम से जानने की सलाह दी जाती है, शैक्षणिक योग्यता, आयु, शारीरिक मानक आदि और खुद को संतुष्ट करें, मतलब जो शैक्षणिक योग्यता इसमें दी गई है, शारीरिक मापदंड इनमें मतलब संतुष्ट करें, मतलब ये सही रूप से होने चाहिए। वे आवेदन करने से पहले पदों के लिए पात्रता और जब आवेदन की जांच होगी DMI के दौरान किया जाएगा और आवेदन में किया गया दस्तावेज कोई भी दावा नहीं मिलता है। देख लो, जब आप आवेदन करते हो उसमें कोई भी दावा नहीं मिलता है। प्रमाणित किया गया कि CAPF द्वारा उम्मीदवार को सीधे रद्द कर दिया जाएगा, मतलब आप उसमें कोई भी दावा करते हो, कोई भी किसी भी चीज़ का, चाहिए आपकी एजुकेशन का, आपकी आयु का, तो मैंने बताया आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है वो मेन इंपॉर्टेंट है, उसके अनुसार ही सब कुछ होने चाहिए, चाहे आपकी एजुकेशन, आपके नाम के जो लेटर है, जैसे आपके मदर फादर के भी आप बोल रहे थे, तो मैंने कई बार आपको बोल दिया कि अगर 10th की मार्कशीट में आपके माता पिता का जो नाम है वो नाम करा लो आधार कार्ड में, ताकि वो बेटर रहेगा। तो अगर उनमें 10th क्लास की जो मार्कशीट है वही मूलभूत आधार है दोस्तों, तो उसमें जो आप दावा करते हो वो सभी सही होने चाहिए, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो। तो इसमें एड्रेस वाला नहीं है, आप कहीं हो कि एड्रेस में छोटी मोटी मिस्टेक हो रखी है, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, उनके रिजेक्टेड होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि एड्रेस वाला नहीं है। मेन जो मैंने बोला मूलभूत जो मेन आधार है वो है 10th क्लास की मार्कशीट। अब इसके बाद में अगला है SC ST OBC या किसी, यानी एक्समैन का सर्विस या किसी अन्य जैसे आरक्षण का लाभ पाने वाले उम्मीदवार इस सूचना के प्रावधान के अनुसार छूट, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह हकदार है इस तरह से आरक्षक छूट के लिए, उन्हें संबंधित कब्जे में होना चाहिए, उनके समर्थन में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप। इसका कहने का मतलब है कि आप SC OBC ST अगर इनमें किसी में आते हो तो आपके पास में भारत सरकार द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया गया है वो होना चाहिए, तो अगर वो है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक नियम और आगे अच्छे से पढ़ना, SC ST या OBC के रूप में मान्य प्राप्त ऐसे उम्मीदवारों को एक करना होगा राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त करना है या नहीं, यानी कई स्टेटों में आपको पता है जैसे सेंटर में आप जनरल में आते हो, स्टेट में आप OBC में आते हो, तो वो आप जब फॉर्म भराया गया था उसमें बताया गया था आपको मतलब OBC में रहना है या जनरल में रहना है, तो अगर आप OBC में रहना है तो उसके लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसका होना चाहिए दोस्तों। तो इसके बाद में हम चलते हैं, केवल मैट्रिक माध्यमिक परीक्षा में दर्ज की गई जन्मतिथि प्रमाण का समतुल्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की तिथि पर उपलब्ध है, आवेदन को जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा। देखो, जो 10वीं क्लास की जो मार्कशीट है उसमें जो मेन चीज़ है, 10वीं क्लास की जो मार्कशीट है उसमें जो आवेदन की जो जन्म डेट है वही मुख्य मानी जाएगी दोस्तों, तो उसके अनुसार ही आपका सब कुछ होना चाहिए। मैं पहले बता सकूँ आवेदन धुंधले फोटो, ये तो आपको पता ही है। आवेदन पत्र में किसी प्रकार विवरण सुधार के लिए एक बार अनुरोध करें, ये आप सभी को पता ही है। तो दोस्तों फार्म वाला अगर आपके कईयों के एड्रेस में अगर छोटी बड़ी मिस्टेक हो रखी है तो उनको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, उनके रिजेक्शन लेटर आने के चांसेस बहुत कम है कि उनके रिजेक्ट हो गए। हाँ, अगर एड्रेस में छोटी मोटी या प्रॉब्लम हो रखी है तो उनमें रिजेक्ट फॉर्म नहीं होंगे, उसमें सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, मतलब आपसे सही मांग सकते हैं कि भाई सही का प्रूफ दे दो, लेकिन हाँ गलत केवल रिजेक्टेड उसी रूप में हो सकता है कि आप उसकी एलिजिबिलिटी हो उसको मतलब सेटिस्फाइड नहीं करते हो, फुलीफाई नहीं करते हो, जैसे कि आपकी एज है, किसी ने अगर एज गलत लगाई है तो वो तो, अगर किसी ने एज गलत लगाई है तो वो तो होना ही होना है, उसमें कोई शक ही नहीं है। अगर आपने एज ही गलत लिख दी वो होना है, आपका नाम अगर गलत है तो भी आपका रिजेक्टेड होना ही होना है। अब कुछ बोलेंगे हमारे नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक होगी तो उनका रिजेक्ट नहीं होगा, तो उनके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होगा, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि कईयों को ऐसा लग रहा है कि फिर हमारा क्या होगा अगर हमारे नाम में
छोटी मोटी प्रॉब्लम आ गई तो उनको ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप ये ध्यान रखना कि जिनके एड्रेस में या छोटी मोटी अगर नाम में प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ अगर बायोमेट्रिक वाला मेस नहीं खाया उनको टाइम मिल रहा है 1 महीने का, तो आप 1 महीने में एसोसिएशन स्टाफ से कॉन्टेक्ट करके उसको आप सही करा लेना। कईयों को फर्जी मैसेज भी आ रहे हैं, ये भी ध्यान रखना, कईयों को फर्जी मैसेज भी आ रहे हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों ये मेन चीज़ यही हो गई, आपको मैंने बताया अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत है, अब डेट ऑफ बर्थ गलत है उसका तो कोई उपाय नहीं है, उसका तो क्या उपाय बताएं, अगर उसने खुद ने गलत की है तो उसका कोई उपाय नहीं है, उसकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, हाँ अगर उसने गलत नहीं की उसके पास में फॉर्म की पीडीएफ फिर भी उसको आ जाता है, या उसकी डेट ऑफ बर्थ जो सही है और जो लिखी थी गलत है उसमें अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो वो भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से वापस कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से कर सकते हो, बायोमेट्रिक वाले रीट भी लगा सकते हैं कोर्ट पर कि भाई हमारा बायोमेट्रिक हुआ था उस समय सही हुए थे, हम सेटिस्फाइड हुए थे, चेंज नहीं था लेकिन फिर भी हमको नोटिस आया था, वो रिट लगा सकते कोर्ट में और कोर्ट से उनको हेल्प मिल जाएगी। दोस्तों और भी इस प्रकार की कई प्रॉब्लम हैं, जैसे कि फादर नेम, मतलब फादर नेम, मदर नेम या एड्रेस में अगर छोटी मोटी गलती हो रखी है तो उनको रिजेक्टेड फॉर्म नहीं मिलेंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिजेक्टेड फॉर्म केवल एलिजिबिलिटी के लिए ही है मेन, अगर आपने जाति प्रमाण पत्र वाले अगर गलत कर रखा है तो उसमें हो सकता है, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र से आपको छूट मिलती है, अगर उसमें आपने गलतियां कर रखी है कि आपको ओबीसी में आते ही नहीं फिर भी आपने ओबीसी का सर्टिफिकेट लगा दिया, या आपने ओबीसी लिखा दिया था फॉर्म में और आप ओबीसी का फॉर्म जमा कराए नहीं, एससी का जमा नहीं कराए, एसटी का जमा नहीं कराए, तो उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। तो और एक वीडियो बनाऊंगा मैं उसके ऊपर, उसमें मैं आपको बताऊंगा जो बायोमेट्रिक वाला है और जो फर्जी मैसेज भी आ रहे हैं कईयों को उसके बारे में। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।